प्याज का आधा जी का चटनी है। हम कल के लिए हलवा बना रहे हैं छोले का। पहले सब्जी को अच्छे से चाल लेंगे चलने से, उसके बाद पूरा अच्छे से चलने के बाद हम उसके बाद इसको घी में डालेंगे। देखिए घी को अच्छे से गर्म करेंगे, उसके बाद इसमें सूजी डालेंगे, अच्छा से इसको भून लेंगे 10 मिनट। 10 मिनट भूनने के बाद इसमें थोड़ा दूध डालेंगे, धीरे धीरे पूरी भुना रहा है। दूध डाल दें थोड़ा सा, दूध डालेंगे थोड़ा सा इसको मिलाएंगे, दूध डाल दिए। देखिए गाइस और उसके बाद थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, अच्छे से मिल जाए और टेस्टी भी बने। जी तो बहुत स्वादिष्ट लगे हलवा का बताओ। तो थोड़ा देर हम ये गैस पे चढ़ाएंगे, अच्छे से जब पानी सूख जाएगा अच्छे से पूरी तरह मिल जाएगा। इसमें थोड़ा चीनी डाल दिए हैं, मीठा जितना इसमें चीनी पड़ सके उसके अनुसार हम चीनी डाले हैं। इसमें देखिए अब मेरा हलवा तैयार हो गया। अब हम कान्हा जी को भोग लगाएंगे, हलवा को थोड़ा सा गर्म है थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ऐसे इसमें मखान डालेंगे। ये भोग लगाने की थाली में तुलसी पत्र रखना चाहिए, कान्हा जी को बहुत ही प्रिय तुलसी पत्र है। थोड़ा तुलसी पत्र डाल दिए, थोड़ा सा फूल डालेंगे। गिरी धरे कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। गिरी धरे कृष्ण मुरारी की, में कुंडल छल काला, ननंद के आनंद नंद लाला। राधिका रमन बिहारी की, सिकिरी धरे कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज की। सिकिरी धरे कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज की, धरे कृष्ण मुरारी।